इस साल 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत महत्व रखता है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं, दीपक जलाती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को रखने के नियम काफ़ी कड़े होते हैं। करवा चौथ का व्रत चांद की पूजा किए बिना अधूरा रहता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और कानपुर से लेकर मुंबई तक आपके शहर में कितने बजे चांद निकलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ की पूजा का समय 1 नवंबर 2023 को शाम 5:36 से शुरू होकर शाम 6:54 तक है। करवा चौथ पर करवा माता के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। इस बार 1 नवंबर करवा चौथ का चांद कानपुर महानगर में 8:15 पर निकलेगा। वहीं आसपास के जनपदों में भी 2-3 के अंतराल ये चांद निकलेगा। राजधानी लखनऊ में चांद निकलने का समय रात 8:05 का है। वाराणसी में चांद निकलने का समय 8 बजे है। प्रयागराज में रात 8:05 पर चांद दिखेगा। वहीं दिल्ली में चांद 8:15 पर नजर आएगा। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में रात 8:59 पर चांद नजर आएगा। नोएडा में रात 8:14 पर चांद दिखेगा। गुरुग्राम में रात 8:16, चेन्नई में 8:43, आगरा में रात 8:16, कोलकाता में 7:46, भोपाल में 8:29, अलीगढ़ में 8:13, हिमाचल प्रदेश में 8:07, जयपुर में 8:26, पटना में शाम 7:51 और चंडीगढ़ में रात 8:10। चलिए अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। जानकारों की माने तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं, फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय फिर से स्नान के बाद जिस जगह पर आप करवा चौथ का पूजा करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीसकर करवा की तस्वीर बनाएं। इसके बाद 8 पूरियों को अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित कराएं। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें और साथ ही टूटीदार करवा भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के पहले करवा पर रोली से एक सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदिया लगाएं। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुने। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छन्नी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी विशेषज्ञ द्वारा दी गई है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।